लुधियाना के शेरपुर की फौजी कलोनी इलाके ड्यूटी तो घर परत रहे लड़के का कतल करके खाली प्लाट में सुट दिता गया। यह घटना मंगलवार सवेर उस समय सामने आई जदों सफाई कर्मचारी इलाके की सफाई कर रहे सन। उसने लाश को देख के पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना मोती नगर की पुलिस मौके पर पहुँच गई। मृतक का नाम विकास कुमार दसया जा रहा है। इस दौरान इलाके के लोगों ने थाना मोती नगर के खिलाफ जम के नारेबाजी शुरू कर दी और दोष लाए कि इत्थे प्रवासी मजदूरों तो रोजाना लुट खोह हो रही है। इस दी शिकायत भी पुलिस नूं दित्ती गई है, पर कई बार कहण दे बावजूद इलाके विच गश्त नहीं वधाई जा रही। पुलिस अधिकारियों ने मजदूरों नूं शांत करदिआं भरोसा दिता है कि इलाके विच गश्त वधाई जाएगी और नाजायज धंदिआं नूं भी ठल पाई जाएगी। इस तों बाद पुलिस ने विकास की लाश नूं कब्जे च लैके पोस्टमार्टम लई भेज दिता। पुलिस ने इस मामले च अणपछाते दोषियों खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी मुताबक विकास मूल रूप तो बिहार के गया जिले का रहने वाला है। इत्थे वह काफ़ी समय तो रह रहा है। रोज़ की तरह वह देर रात ड्यूटी खत्म करके घर परत रहा। फौजी कलोनी रेलवे लाइना नेड़े अणपछाते हमलावारों वालों उसका कतल करके लाश को खाली प्लाट में सुट दिता गया। परिवार विकास का पता लगाने रात को इधर उधर भटकता रहा। सवेरे जदों सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे सन तो लाश देख के हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना मोती नगर के SHO सब इंस्पैक्टर जगजीत सिंह ने दसिया कि मुलाजम इलाके गश्त कर रहे हैं, लोगों के दोष गलत ने। इलाके लगे बाकी CCTV की जाँच की जा रही है। जाँच तो बाद जल्दी ही मामला सुलझा लिया जाएगा।